इधर रेलवे फिर से सीनियर सिटीजन्स और खिलाड़ियों के लिए टिकट पर छूट देने की सुविधा शुरू कर सकता है। हालांकि इस बार नियम बदले होंगे। इस बार कैसे कैसे बदलाव हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे। अमरीश, बताएं कि किस तरह से इस बार बदलाव नजर आने वाले हैं। देखिए, सदन में रेल मंत्री ने जवाब दिया था कि हम इसलिए कंसेशन वापस से चालू नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे रेलवे को बहुत घाटा हो रहा है। रेलवे ऑलरेडी कंसेशन देता है 50% का, उसके बाद अगर इस तरह की रियायतें दी जाएंगी तो रेलवे को ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस बयान पर सरकार घिरती नजर आई थी, सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो विपक्षी दल से उन्होंने सरकार को घेरा था और ये भी कहा था कि अगर जनता को आप राहत नहीं दे सकते हैं तो जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जो इस तरह की राहतें ले रहे हैं, रियायतें ले रहे हैं, उन्हें भी ये रियायतें छोड़नी चाहिए। उसके बाद रेल मंत्रालय हरकत में आया और उसने कई सारे ऐसे फॉर्मूले जो हैं रियायत देने के वो विचार किए हैं। हालांकि ये रियायतें भी एक आईवॉश जैसी ही हैं। मसलन जो पहला फॉर्मूला है वो ये कहता है कि 70 साल की उम्र या उससे ऊपर के जो लोग होंगे उनको ही दिया जाएगा रियायत। इसके अलावा जो रिस्ट्रिक्शन है वो क्लासेस पर भी कर दी गई, यानी कि जनरल कैटेगरी और स्लीपर क्लास उनको ही, उसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को ही रियायत दी जा सकेगी। इसके अलावा एक विशेष क्लॉज के बाद जो बीमार लोग होंगे या स्पोर्ट्समैन होंगे उनको भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा फॉर्मूला नंबर 2 जो है वो ये है कि सिर्फ बीमारों को, स्पोर्ट्समैन को और बुजुर्ग जिनकी उम्र 70 साल है या उससे ऊपर की है उनको ही ये रियायत दी जाए। वो अक्रॉस द क्लासेस होगी लेकिन बाकी लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इसके साथ ही साथ एक और फार्मूला जो रेलवे विचार कर रहे हैं कि इससे जो रेवेन्यू का लॉस होगा उसको कैसे भरपाई करेंगे, तो वो भरपाई का जो फार्मूला है वो ये है कि फ्लेक्सी फेयर का जो सिस्टम होगा वो सभी ट्रेन्स में लागू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ अब तत्काल प्रीमियम जो सेवा है जो कि ये फिलहाल 80 ट्रेनों में लागू है उनको भी बढ़ाकर सभी ट्रेनों में लागू कर दिया जाएगा, जिससे कि सरकार को उम्मीद है कि जो रेवेन्यू लॉस हम कंसेशन से कर रहे हैं उससे ज्यादा रेवेन्यू हम इधर से बटोर पाएंगे। तो कुल मिलाकर सरकार की जो योजना है या जो फॉर्मूला है ये एक आई वॉश है, एक झुंझुना है जो कि कंसेशन के नाम पर यात्रियों को दिया जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर कोई आम राय या सहमति नहीं बनी है, इस पर कोई मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को लेकर आगे बढ़ता है रेलवे तो आगे और भी बद हो सकती है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी के लिए अमरीश। बढ़ते आगे।